स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल UDS कंपैरिजन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनुराग कश्यप की सभी डायरेक्ट की गई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्डिक्ट के बारे में बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले कुछ उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फुल नेम अनुराग सिंह कश्यप, डेट ऑफ बर्थ अनुराग कश्यप की डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 1972। बर्थ प्लेस अनुराग कश्यप का बर्थ प्लेस है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। प्रोफेशन अनुराग कश्यप का प्रोफेशन है डायरेक्टर स्क्रीन राइटर प्रोड्यूसर एक्टर। नंबर ऑफ मूवीज अनुराग कश्यप ने अभी तक 17 मूवीज करी हैं। दोस्तों अनुराग कश्यप ने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की थी लास्ट ट्रेन टू महाकाली। यह मूवी सन 1999 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 4 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 2 लाख रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित रही थी। नंबर 2 पर मूवी आई थी 5। दोस्तों यह मूवी 2003 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 2 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 3 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित रही थी। नंबर 3 पर मूवी आई थी ब्लैक फ्राइडे। यह मूवी भी 2004 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 7 करोड़ रुपए। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाई करती है 8 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित रही थी। नंबर 4 पर मूवी आई थी नो स्मोकिंग। यह मूवी 2007 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 23 करोड़ रुपए। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई करी थी सिर्फ 4 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित रही थी। नंबर 5 पर आती है रिटर्न ऑफ हनुमान। दोस्तों यह मूवी भी 2007 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 16 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 60 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित रही थी। नंबर 6 पर मूवी आती है देवदी। यह मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 11 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 14 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित रही थी। नंबर 7 पर आती है गुलाल। दोस्तों यह मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 10 करोड़ रुपए और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाई करती है सिर्फ 5 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित रही थी। नंबर 8 पर आती है दैट गर्ल इन येलो बूट्स। यह मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 5 करोड़ रुपए। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई करी थी 2 करोड़ रुपए की और यह मूवी फ्लॉप साबित रही थी। नंबर 9 पर मूवी आती है गैंग्स ऑफ वासेपुर। दोस्तों यह मूवी 2012 में रिलीज हुई थी और इस मूवी का बजट था 18 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 70 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित रही थी। नंबर 10 पर मूवी आती है बॉम्बे टॉकीज। यह मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 30 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 10 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित रही थी। नंबर 11 पर मूवी आती है अगली। दोस्तों यह मूवी भी 2013 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 5 करोड़ रुपए और यह मूवी कमाई करती है सिर्फ 4 करोड़ रुपए की। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित रही थी। नंबर 12 पर आती है द डे आफ्टर एवरी डे। यह मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 4 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 2 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित रही थी। नंबर 13 पर मूवी आती है बॉम्बे वेलवेट। दोस्तों यह मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 118 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी सिर्फ 44 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित रही थी। नंबर 14 पर मूवी आती है रमन राघव 2.0। यह मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। दोस्तों इस मूवी का बजट था 7 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी सिर्फ 3 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित रही थी। नंबर 15 पर मूवी आती है मुक्काबाज। यह मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 12 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 8 करोड़ रुपए की और दोस्तों यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। नंबर 16 पर मूवी आती है मनमर्जिया। यह मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 30 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 40 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित रही थी। नंबर 17 पर मूवी आई थी दोबारा।
दोस्तों यह मूवी 2022 में रिलीज हुई थी और इस मूवी का बजट था 30 करोड़ रुपए। यह मूवी कमाई करती है 6 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित रही थी।